हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आई एम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर हम कहते हैं किसको? तो ये डिफिनेशन मैंने लिया है, The Institute of Cost and Management Accountants London has defined management accounting as the application of professional knowledge and skills in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in formulation of policies and in the planning and control of operation of the undertaking. Similarly, according to American Accounting Association, it includes the method and concept necessary for effective planning, for choosing among alternative business actions, and for control through evaluation and interpretation of performance. Management accounting collects data from cost accounting and financial accounting. Thereafter, it analyzes and interprets the data to prepare report and provide necessary information to the management. ये बहुत important है कि management accounting cost accounting and financial accounting से data लेता है and after that उसको analysis करता है and फिर वो अपने decision देता है। मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम कैसे करता है। तो पहले मैं बता दूं, बिकॉज नेक्स्ट डिफरेंसेज है, तो डिफरेंसेज पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करते क्या है, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बिजनेस में कितना पैसा रखना है, हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें अपने बिजनेस में कौन सा एसेट्स परचेज करना है और कौन सा एसेट्स लीज पे लेना है, ये हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। अगर हमें सपोज मार्केट से पैसे चाहिए तो आप लोन के थ्रू पैसे लोगे, या फिर आप डिवेंचर के थ्रू, इक्विटी के थ्रू, या फिर आप किस मेथड से आप पैसे को आप रेज करोगे मार्केट से। ऐसे बहुत सारी चीजें आती है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अपर लेवल का रोल हो गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर दिया डेट से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, वो बता दिया। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस के डिसीजंस लेता है। हम फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट प्लान्स क्या होंगे, हम बिजनेस को अपने ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंसेस। Manage cost accounting, it deals with ascertain allocation, apportionment and accounting aspect of the cost. यानी ascertainment मतलब cost को निर्धारण करना, बताना। allocation मतलब आप suppose rent कोई हमारी expenses है, ठीक है, जैसे अब rent की expenses है। अब rent suppose मान लो एक particular से factor से related है, तो total खर्चा हमने rent का 10,000 उठाया और इसके ऊपर हमने ₹10,000 चार्ज कर दिया, इसको हम बोलते हैं allocation। लेकिन अगर ये 10,000 का जो हमारा एक्सपेंसेस था रेंट का, वो दो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो हम पूरा 10,000 एक के ऊपर तो नहीं चार्ज कर सकते, हमें सबके ऊपर अलग अलग चार्ज करना होगा। तो हम किसके बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, या तो एरिया आप निकाल दो। अब सपोज हो सकता है ना, इसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हो, या इसने कम किया हो, इसने उससे भी कम किया हो, या फिर तीनों ने इक्वल एरिया ऑक्यूपाई किया हो, तो 10,000 को आप तीन से डिवाइड करके आपने चार्ज कर दिया, इसको हम बोलते हैं apportionment। और डायरेक्टली जिसको हमने चार्ज किया उसको हम एलोकेशन बोलते हैं। ये चीज़ें लोगों को नहीं मालूम होती, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ये काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, इट डील्स विद द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन द बिजनेस। ये उसके इम्पैक्ट को, इफेक्ट को बताता है कि आखिर इससे क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेस क्या होता है, इट्स प्रोवाइड ए बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बेस प्रोवाइड करता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम द बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया। स्टेटस क्या होता है, द स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, कॉस्टिंग को कैलकुलेट करेगा प्रोडक्ट के एंड वेरियस अदर कॉस्ट की डाटा, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रिक्वायर्ड है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बना के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, उसके बेसिस पे एनालिसिस करेगा कि अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज सीनियर इन पोजिशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, असिस्टेड करना।
The primary objective of management accounting to provide necessary information to the management in the process of planning, देखो planning, controlling, performance, evaluation, decision making, यानी बहुत important role हो जाता है management accountant का, ठीक है। इसलिए जब आप CMA कर रहे हो तो आपको सिर्फ cost accounting नहीं पढ़ाई जाती, आपको management accounting भी पढ़ाई जाती है। इसलिए cost and management accountant आपको बोला जाता है जब आप CMA qualify कर जाते हो, बिकॉज आप कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो। रोल क्या होता है, डिटरमाइन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड द प्राइमरी रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट को कैलकुलेट करना प्राइमरी है। इसका क्या रोल है, इफिशियंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न इन ए प्राइमरी रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हमारा प्राइमरी रोल क्या है कि हम अपने बिजनेस को इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे में हम रन कैसे करें। कॉस्ट रिलेटेड डाटा यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस्ट का डाटा मिलेगा, बट यहाँ पे देखो आपको दोनों डाटा मिलेगा, कॉस्ट का भी मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी मिलेगा, बिकॉज तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए बेस्ड ऑन द डाटा एज रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूज, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब कुछ यूज किया जाता है मैनेजमेंट। स्टेट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है, बट कुछ ही कंपनीज है, सबके ऊपर नहीं होता, कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ पे कोई एसटीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, नो एसटीटी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट फॉर रिपोर्ट्स। तो डिफरेंस था बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और 8-10 to 8 marks तक का ये पॉइंट आपके एग्जाम में कवर कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।